राजनीतिक खबर के साथ जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। इसके अलावा अजय माकन या अरुण यादव मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। जितेंद्र सिंह या अभिषेक मनु सिंघवी राजस्थान से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। यह बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, और ज्यादा डिटेल्स दें। राज्यसभा की 50 से ज्यादा सीटें खाली हुई हैं कांग्रेस के खाते में, उसमें से 10 सीटें आने वाली हैं। उन 10 में से 5 ऐसी सीटें हैं जो कर्नाटक और तेलंगाना में हैं। कांग्रेस के टॉप सोर्सेस से अब यह पता चला है कि कर्नाटक और तेलंगाना की 5 में से 4 सीटें जो है वो स्थानीय नेताओं को मिलेंगी। इसके अलावा जो 5 और सीटें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में 1 सीट है, वहां उस सीट से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी राज्यसभा आ सकती हैं। राजस्थान की 1 सीट है, उस सीट से अभिषेक मनु सिंघवी, या ज्यादा संभावना है कि जितेंद्र सिंह राज्यसभा आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की 1 सीट है, वहां अरुण यादव कोशिश कर रहे हैं। अजय माकन जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं वो वहां से चुनकर आ सकते हैं। महाराष्ट्र में 1 सीट मिलेगी कांग्रेस को वहां से, हालांकि एक उद्योगपति का नाम भी चल रहा है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि पवन खेड़ा महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे। कर्नाटक की जो 3 सीटें हैं, एक तो नासिर हुसैन जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सहयोगी हैं, वो मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं और उनकी सीट खाली हो रही है, उन्हें एक बार फिर मौका मिल सकता है। 1 सीट यूथ कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्हें मौका मिल सकता है। और सुप्रिया श्रेष्ठ जो कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की प्रमुख है, हालांकि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन चूंकि उनका काम सोशल मीडिया पर अहम है इसलिए पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा तेलंगाना की 2 सीटें मैंने आपको बताया कि स्थानीय नेता को वहां से भेजा जाएगा। बिहार में 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी, अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं वो, उनकी सीट ही खाली हो रही है इनफैक्ट, तो वो सीट एक बार फिर अखिलेश प्रसाद सिंह को मिल सकती है। तो ये कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से हमें पता चला है कि ये चेहरे कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में पहुंच सकते हैं। 10 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जाहिर सी बात है कि शायद मुझे लगता है पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा जाएगा और वो सोनिया गांधी हो सकती हैं। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, उनकी सेहत के मद्देनजर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है। हालांकि इसके तेलंगाना और कर्नाटक से मांग थी कि सोनिया गांधी को अगर राज्यसभा जाना है तो वो तेलंगाना या कर्नाटक से जाएं, लेकिन पार्टी में एक वर्ग चाहता है कि चूंकि राहुल गांधी पहले से ही दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, ऐसे में सोनिया गांधी को उत्तर भारत के किसी राज्य से सदन पहुंचना चाहिए। हिमाचल की प्रबल संभावना है। पार्टी में कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि सोनिया गांधी को राजस्थान से भेजा जाए, क्योंकि राजस्थान में जो सीट खाली हुई है राज्यसभा की कांग्रेस कोटे से, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की है। तो देखना है कि सोनिया गांधी राज्यसभा राजस्थान से जाती है, हिमाचल से जाती है, लेकिन लगभग तय है सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना। प्रियंका गांधी कांग्रेस, चूंकि प्रियंका गांधी से पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन कराना चाहती है, ऐसे में उन्हें भी वो किसी लोकसभा सीट में नहीं फंसाना चाहती, और इसलिए एक विचार ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी को भी राज्यसभा भेजा जाए। तो ये बड़ी खबर है राज्यसभा को लेकर के कांग्रेस के खेमे से। बड़ी खबर तो किसानों से जुड़ी हुई भी हमारे पास है। उनका मार्च चल रहा है नोएडा से दिल्ली की ओर, और तस्वीरें हमें मिल रही हैं। नोएडा से दिल्ली मार्च कर रहे हैं किसान, और ये देखिए आप तस्वीरें लाइव। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, इस मार्च में शामिल हैं। हमारी सहयोगी रिया इस वक्त इस प्रदर्शन के बारे में बताने के लिए सीधा कनेक्ट है, इस मार्च के साथ वो मूव कर रही हैं। रिया, क्या देख रही हैं आप वहां पर? जी, यहां पर बड़ी संख्या में महामाया फ्लाईओवर के नीचे हम मौजूद हैं, और यहां पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहां पर पुलिस ने रोकने की जरूर कोशिश की है, पर किसान जो है वो यहां से मार्च कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। बड़ी संख्या में आप देख पाएंगे महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं, और इनका कहना है कि सरकार को हमारी मांगे, हमारी बात सुननी ही होगी। यहां पर किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर जी भी यहां पर मौजूद हैं, और लगातार प्रोटेस्ट जारी। आप देखिए महिलाएं भी यहां पर आपको नजर आएंगी, और यहां पर ये मार्च कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। भीड़ यहां बढ़ती जा रही है, और ये पूरा जो रास्ता है यहाँ आगे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाएंगे, ये पूरा जाम हो चुका है, और किसानों की ये तस्वीरें, ये मार्च यहाँ पर शुरू होता आपको नजर आएगा। यहाँ सुखबीर जी जो किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जरा आपकी बात कराती हूँ। उनका क्या कहना है सर, क्या मांगे हैं आपकी, हमारे माध्यम से बताइए क्या मांगे हैं आप? मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी मांगे नहीं है, हमारे करार है। हमारा 10% प्लॉट बनता है, ये कोर्ट ने भी बोला है। कोर्ट को देने के बावजूद प्राधिकरण ने एक विज्ञप्ति निकाली कि भाई हाँ, हम सबको देने वाले हैं। अभी दिल्ली मार्च करेंगे, पक्का दिल्ली मार्च करेंगे।
निश्चित तौर पर करेंगे जब तक हमें हमारा जो लिखित में समझौता हो चुका है, जो बोर्ड में पास हो चुका है, आप उनको लागू कर दीजिए। बस मेरे घरों पर नोएडा नाम नहीं चाहिए मुझे। हमारे घर अपने हैं, हमें अपने ही चाहिए। नोएडा दर्ज क्यों कर रखा है? जब हमारा पुश्तैनी घर है तो क्या मतलब है नोएडा दर्ज करने का? हमारे हैं ना, तो हम पर छोड़ दिए जाए, ना कि उन पर नोएडा प्राधिकरण दर्ज किया जाए। दिल्ली कूच करेगी? बिल्कुल, दिल्ली देश का किसान जाएगा जैसे पहले गया था। ये फिर रोकेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे और अपने अधिकार लेकर आएंगे। अधिकार नहीं मिलेंगे जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये पुलिस वाले हम पर गोली चलाए, पानी की बौछार करें, हम पीछे नहीं हटेंगे और दिल्ली जाके रहेंगे। मैडम जी, अब ये ना आंदोलन तो आप देख पाएंगे, यहाँ गुस्सा जो है किसानों में काफी ज्यादा है, महिलाएं भी हैं, और एक संकल्प की दिल्ली जरूर जाएंगे, दिल्ली कूच जरूर करेंगे। आपको बता दूं मैं, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर लग चुकी है और इस तरफ से ये दिल्ली जाने का रास्ता है, जहाँ जाने की तैयारी है। पुलिस ने कोशिश की है यहाँ पर रोकने की, पर इन किसानों को रोक पुलिस नहीं पा रही है और पीछे से और संख्या में किसान। तस्वीरें दिखाइए रिया, तस्वीरें दिखाइए अगर आप दिखा सकें कि कैसे इनको रोकने का प्रयास किया गया है, कैसे इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, दिखाने की कोशिश करिए। आप देखिए यहाँ पर पीछे पीछे जी पीछे आपको भारी भारी संख्या में सुरक्षा बल भी नजर आएगा, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो। इन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश यहाँ पर जारी है। ट्रैफिक की भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, वो भी यहाँ पर वो भी बाधित हुआ है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन यहाँ लगातार जारी है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आपको ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएंगे और ये किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, ये देखते हुए कि कोई दुर्घटना यहाँ पर ना हो। लेकिन किसानों का जो निश्चय है, जैसा कि अभी हमने आपको सुनाया भी, किसानों का निश्चय दृढ़ है और किसान दिल्ली मार्च करने की तैयारी में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और भी लोग यहाँ आने वाले हैं और कुछ ही देर में कौन कौन आने वाला है, कुछ नोएडा कौन कौन आने वाला है, दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगा जी। आप यहाँ पर आप यहाँ देखिए, आप यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, इंतजार में किसान यहाँ बैठे हैं। किसान परिषद के और जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर अभी आने वाले हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। सुबह वो एनटीपीसी के ऑफिस के सामने मौजूद थे और अब एनटीपीसी के ऑफिस से यहाँ पर उनका आने का इंतजार किया जा रहा है। तो जैसे ही वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और तभी ये दिल्ली कूच यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये महामाया फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें आप यहाँ देख पाएंगे। पुलिस भी है यहाँ, किसानों की तैयारी भी है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने एनटीपीसी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किसानों का देखा था, अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के लिए इनका प्रदर्शन हमने देखा था, तो वही मांगे दोहराई जा रही है। बिल्कुल 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 रिया, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो स्थिति को बहुत स्पष्ट कर रही है। हमारे साथ बने रहिए रिया। आप हमारे सहयोगी अंकित कौशिक की एक रिपोर्ट जो कि कवर कर रहे हैं इस प्रदर्शन को, इस मार्च को, वो आपके सामने रख रहे हैं। किसानों के दिल्ली में आने के बाद तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। नोएडा एक्सप्रेस वे पर किसान पहुंचने लगे हैं जिसमें महिला शक्ति भी शामिल है, और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। लगभग एक के बाद एक किसान है, धीरे धीरे किसान जो है नोएडा एक्सप्रेस वे पर आने लगे। आपको बता दें महामाया जो फ्लाई ओवर है उसके नजदीक है। तस्वीर दूसरा आपको दिखाना चाहेंगे, एक तरफ जहाँ किसान इकट्ठा होना शुरू हुए हैं वहीं जाम भी धीरे धीरे बनने लगा। तो तस्वीरें दूसरी दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो पुलिस है वह भी सड़क पर होकर जो बकायदा जो चेकिंग कर रही है और जांच कर रही है कि किस गाड़ी में कौन है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी तैयारी है कि किसान किसी भी तरीके से नोएडा से दिल्ली की तरफ ना जा पाए, नोएडा से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए, दिल्ली की तरफ कुछ ना कर पाए। उसी के चलते देखिए 20 सड़क पर आपको दिखा दे बकायदा कमांडो मौजूद है और जो गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। उस चेकिंग में बकायदा हम गौतम बुद्ध नगर के लोन ऑर्डर जो आला अधिकारीगण है वो भी हम मौजूद है। देखिए देखिए दूसरी तरफ आपको बता दे कि इसी के चलते कहीं ना कहीं किसान इकट्ठा होना शुरू हो गया। देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान भी दूसरे इकट्ठा होने लगे थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले किसान है वह दिल्ली की तरफ कूच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल पुलिस भी मुस्तैद है और किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहाँ पे हैं और किसान कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली में पहुंचे, लेकिन आरएएफ भी है वहाँ पर, पुलिस भी है, उनको रोका गया है। वो जिद पर अड़े हुए, वो कह रहे करार है,
हमारा अथॉरिटी के साथ और इसी को लागू करने की हम मांग कर रहे हैं। हमारी कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनकी बात भी आपने सुनी और अभी और लोगों के वहां पर पहुंचने की रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी जो कि इस प्रदर्शन को कवर कर रही है वहां पर उस जगह पर मौजूद है वो बता रही थी। बड़ी अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे। अपडेट ये है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया कि किसानों की मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। किसान एक बार फिर से पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करने को तैयार है। हमारे साथ मौजूद है मनीष तिवारी। मनीष जी, किसान एक बार फिर से पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करने को तैयार है। देखिए, आज लोकसभा में मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि अप्रैल 2020 में जब कोविड का कहर पूरी दुनिया पे छाया हुआ था, मानवता सहमी हुई थी, तो सरकार चार काले कानून लेके आई किसान ही से जुड़े हुए। लाखों किसानों ने लामबंद होकर उसका विरोध किया, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, डेढ़ साल तक 700 लोग शहीद हुए और सरकार को माफ़ी मांग के वो कानून वापस लेने पड़े। जब वो कानून वापस लिए गए थे तो एक वायदा किया गया था कि MSP पे कानून बनेगा। 2 वर्ष हो गए, MSP पे कानून नहीं बना। तो आज मैंने ये मांग उठाई है कि तुरंत MSP के ऊपर कानून बनना चाहिए। तो मनीष तिवारी की बात आपने सुनी। किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मार्च भी कर रहे हैं।